मैं आ चुका हूँ दुबई के अंदर। दुबई में मेरे प्रथम मित्र जो बने हैं, दिस इज बॉडीगार्ड, दिस बॉडीगार्ड भी आके फ्रेंड बने हैं दुबई के अंदर, मेरे फर्स्ट फ्रेंड। मुझे नहीं देख पा रहा हूँ गांधी जी के तीन, आप समझ सकते हो इशारा में, है ना, है ना, फाइन। अगर आपको रोड क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग करना है, यहाँ पे फेस करना होता है, सामने ग्रीन को होगा, यहाँ पे भी ग्रीन होगा, फिर आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। रोड सिग्नल रेड हो चुका है एकदम, मतलब देखिए, तो देखिए चलो अभी काफी अच्छा है सिस्टम से, यहाँ कहते हैं पुलिस की गाड़ी ऐसी होती है यहाँ पे, इन्हीं को पुलिस की गाड़ी, है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच आ गई, अभी हम यहाँ से कुछ रोकड़ा निकालेंगे, यहाँ जितने भी वो खजूर जिगले ने कपड़े पहने थे वो यहाँ से पहने, अच्छा उस तरफ जो है उस तरफ जाएंगे। देखिए ये एक बड़ा वाला पानी का जहाज है, उसके 10 दिरहम कुछ यहाँ पे प्राइस लगता है, 10 दिरहम बोले तो इंडिया के 220 रुपए, जिसके अंदर आपको म्यूजिक वगैरह सब। जो हमारा होटल है उसके अंदर हमने स्टिकर लिया, होटल का जो नजारा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, दुबई के होटल जो है किस तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पे डबल बेड ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो रूम का डेकोरेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज फॉर रूम फॉर दुबई, यहाँ पे चार वो लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, सोफा सेट। ये जय भाई यहाँ पे विराजमान है जो काफी थक चुके हैं, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे फ्रेम लगी हुई है। अब मेरे फोन में कर दो यार। और ये यहाँ का बाहर का व्यू है, बालकनी व्यूज जो कि आपको यहाँ पे नज़र, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊँ, किसी का घर वर है तो प्राइवेसी, ओके। सामान वामान सब यहाँ पे पड़ा है, एलईडी लगी हुई है, पता नहीं इसमें कौन से चैनल चलेंगे। ये हमारा लगेज है सारा, और कुछ इस तरह के यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर्स होते हैं, और ये इतना बड़ा अलमारी दे रखा है यहाँ पे जिसमें सारा सामान आ जाएगा। तो यहाँ पे अरबी में भी लिखा है सेफ डिपोजिट, अच्छा लॉकर भी है। तो ये लॉकअप, ओह माय गॉड, इसके अंदर लॉकअप है। तो ये देखिए इसके अंदर आप अपनी कीमती वस्तु रख सकते हो, यहाँ पे कपड़े टंगा सकते हो, इधर और डबल दिया हुआ है। ये है आईना, और आईने के अंदर छेके मतलब व्लॉग करते हुए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा रेडी फ्रेश हो जाते हैं। A few moments later. So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Finally guys, मैं आ चुका हूँ दुबई के अंदर। दुबई में मेरे प्रथम मित्र जो बने हैं, this is bodyguard. This bodyguard मुझे काफी अच्छे लगे। मैं इनकी तुलना सलमान सर से करना चाहूँगा। सलमान खान, you know what this Bollywood celebrity Salman Khan? You compare yours this body. Compare for Salman Khan for Bollywood star. It's too much. Too much. Your bodies is are very good and your characters, your language, body language is are very good. Thank you. And yeah. Nice to meet you and nice this is my friend from Ethiopia. तो इथियोपिया के फ्रेंड बने हैं दुबई के अंदर, मेरे फर्स्ट फ्रेंड, और जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ पे, और मेन चीज मुझे इनका बिहेवियर। अभी जो है मैं आपको दिखाऊंगा दुबई का नाइट व्यू, नाइट व्यू में, नाइट में दुबई कैसा लगता है। हम नाइट व्यू में मीना बाजार से हम निकलने वाले हैं। देखिए ये है दुबई का होटल रेस्टोरेंट, यहाँ पे बैठक रूम है, यहाँ पे गुरु जी बैठे। ओम नमः शिवाय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से मीना बाजार। मैं होटल का व्यू एक बार दिखा देता हूँ, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल होटल, देखिए काफी सुंदर होटल है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से बेड्स वगैरह लगे हुए हैं जिसपे आप बैठ के आराम रिलैक्स कर सकते हैं। देखिए दुबई का फेमस जो बिल्डिंग है अल कुछ नाम है इसका, जो बहुत ही अच्छा है, थर्ड फ्लोर पे बुर्ज अल अरब है ये। तो चलिए अभी हम चलते हैं सीधा मार्केट की। और बिल्कुल अभी हम आ चुके हैं लिफ्ट के अंदर, एंटर हो चुके हैं। वैसे यहाँ पे लिफ्ट के अंदर आप देख पा रहे होंगे गांधी जी के तीन, आप समझ सकते हो इशारों में, है ना। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, है ना। तो आप लोग कमेंट बुरा मत करना दोस्तों। चलिए दुबई का ये जो फ्रेम खुल चुका है, बोले तो लिफ्ट सार ओपन हो चुका है, ठीक है। ये हमारे ब्रदर, हाय हाउ आर यू, हाउ आर यू, है ना, फाइन। ये ब्रदर हमारे सुबह में मिले थे, चले उनके थे ना। या तो अभी हम जा रहे हैं दुबई में घूमने के लिए, ठीक है ना। यहाँ का सिंगल दुबई कितना प्यारा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, अच्छा सुपर। अभी चलते हैं, ये देखो यहाँ पूरा दुबई, दुबई वगैरह है, ऊपर देख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। एक ये वॉचेस वगैरह लगी हुई है सारे, यहाँ पे अलग अलग कंट्री का टाइमिंग बताते हैं। चलिए सामने का व्यू देखिए, मार्केट्स कितने दुबई, ये दुबई, ये हमारे साथ दो दो गाइड, दो नहीं एक गाइड है, एक गुरु जी है। लाइटिंग लंदन जैसी है ना,
और न्यूयॉर्क सिटीज वगैरह में जो नहीं होता गार्डनर्स हैं। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जो यहाँ का मार्केट्स है उसके अंदर कल्याण ज्वेलर्स, जो यहाँ पे गुरुजी बोले कल्याण ज्वेलर्स का भी ब्रांच है जो कि हमारे अहमदाबाद में है। सेम भाई बोले कुछ कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे बिल्कुल इंडिया जैसा फील हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं दुबई में घूम रहा हूँ। जो है लुकास वगैरह, तो ये पूरे शोरूम से यहाँ के आपको नज़र आएंगे, दिस इज गोल्ड ज्वेलरी शोरूम्स वगैरह। तो काफ़ी आई लव दुबई इस मतलब, तो यहाँ पे काफ़ी जगह ऐसे इस तरह का इश्तेहार किया गया है कि आई लव दुबई। और ये है यहाँ का बिल पेमेंट्स मोड्स, तो बिल्कुल यहाँ पे घूम रहा हूँ, भीड़ भी काफ़ी सारी है लेकिन फील बिल्कुल लाइक दिस इंडिया वाला हो रहा है। इंडिया के मैं किसी दिल्ली के जैसे सीपी है कनॉट प्लेस के अंदर घूमते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ लुकआउट्स लग रहा है मुझे यहाँ पे। सुबह में मॉर्निंग में इतना मतलब भीड़ नहीं था, अभी नाइट में काफ़ी थोड़ा भीड़ भाड़ ऐसे यहाँ पे कुछ लग रहा है नज़ारा जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। मैं आपको एक बार देखिए सामने टेलीफोन क्या गुरुजी, ये टेलीफोन है यहाँ पे, यहाँ सेल लगी हुई 15 DHS तो आप तो भाग रहे हो साथ में, तो कोई मतलब एकदम बोले ऐसे जेफरिन टी है। गुरु जी पहले चाय पी लेते हैं, चाय पीने जा रहे हैं ना, तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं दुबई के अंदर चाय पीने के लिए। आज की मॉर्निंग में वैसे मैं पी थी एक मशीन वाली चाय और एक थी देसी जो हबीब बैंक। तो ये सुबह अपन आए थे ना गाड़ी में एयरपोर्ट से, तो ये सुबह में जो हम एयरपोर्ट से आए थे हबीब बैंक है यहाँ का, ये मेन यहाँ का मेन बैंक है ना, ये मलबार देखिए शोरूम यहाँ का गोल्ड ज्वेलरी का। ये देखिए सोना देखिए कितना सारा यहाँ पे, जो बोलते हैं ना बहुत सारा सोना दुबई में, तो बिल्कुल वैसा ही अल फहीदीस तो कुछ यहाँ पे हमारे को गाइड कर रहे हैं। जय भाई क्या बोल रहे हो, अगर आपको रोड क्रॉस करना है जेब्रा क्रॉसिंग पर यहाँ पे फेस करना होता है, फिर सामने ग्रीन को होगा यहाँ पे भी ग्रीन होगा फिर आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। रोड क्रॉस करना हो तो यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक डिजिटल लगा, अच्छा एक बार करके हम क्रॉस करेंगे, अभी हमने कर लिया तो रुक जाएगी गाड़ियाँ, अभी सामने दिख रहा है तो वहाँ सिग्नल रेड हो चुका है एकदम, मतलब देखिए तो देखिए चलो काफी अच्छा है सिस्टम से, यहाँ कहते हैं पुलिस की गाड़ी ऐसी होती है यहाँ पे, ये देखो पुलिस की गाड़ी है ना, पुलिस गाड़ी थी ये अल फहीदी स्ट्रीट, ये पुलिस की गाड़ी थी सही में, देखो कितनी प्यारी थी है ना, पुलिस की गाड़ी तका तक रुक गई मोला देखिए, नहीं तो अपने इंडिया की अगर बात करूं तो वहां तो कैसे करते पुलिस वाले है ना, सही में है जय भाई इतनी मतलब पुलिस की गाड़ी थी वो भी रुकी थी कैमरे में सीन कैप्चर है ना, इंडियन पुलिस भी बहुत अच्छी है, नहीं अच्छी है मतलब सारी है, कुछ कुछ बेकार भी है ऐसा नहीं कि सारी अच्छी है, रिश्वत खोर ज़्यादा है वहाँ पे, ओ माय गॉड उनका कहना है कि सारे अच्छे हैं, इनका अच्छा से पाला पड़ा है, मेरे देश वाले सबसे बढ़िया, ओ माय गॉड प्राउड ऑफ इन माय इंडिया। ये कोसेल्स वगैरह यहाँ पे देखिए ज़्यादातर सुपर मार्केट्स आपको नजर आएंगे इस तरह के, ये सिम का स्टोर है यहाँ पे, सिम देख रहे हैं लेकिन ये विजिटर पे भाई साहब सिम भी है यहाँ पे, कैमरा वॉच वगैरह घड़ी की वगैरह यहाँ पे लीगल नहीं है, फर्स्ट कॉपी सेल होती है सर, फर्स्ट कॉपी बिल्कुल नहीं है, वॉच रिपेयरिंग भी है यहाँ पे। दुबई के देखे मस्जिद जो है कुछ इस तरह की है, काफ़ी खूबसूरत बनी हुई मस्जिद और ब्यूटीफुल और काफ़ी पुरानी है ना, तो पहले के ज़माने की है लेकिन काफ़ी अच्छी बनी हुई बिल्डिंग है यहाँ की मस्जिद। और ये सामने कुछ और मार्केट सिक्स आपके कपड़े इंडियन की होटल इंडियन 22 कैरेट इंडियन में बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बोल रहे थे कि इंडियन स्टोर से अच्छा बढ़िया देना है इंडियन ज्वेलरी शोरूम। ग्रोसरीज तो सामने जो ग्रोसरी स्टोर है मतलब ग्रोसरी लाइक दिस किराना स्टोर, ये बिल्डिंग है यहाँ की खूबसूरत बड़ी बिल्डिंग जो मुझे काफ़ी प्यारी लग रही है देखिए, कौन सी, अच्छा ये बैंक ऑफ बड़ौदा की, मैंने सुना था कि दुबई में भी ब्रांच है इंडिया की ब्रांच, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच आ गई, अभी हम यहाँ से कुछ रोकड़ा निकालेंगे है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM है तो निकालो, बिल्कुल बिल्कुल बड़ौदा का ATM से निकल जाएगा, हाँ निकलेगा, देखिए मेरी बात सुनिए, और यहाँ जितने भी वो खजूर जिगले ने कपड़े पहने थे वो यहाँ से पहने, अच्छा वो यहाँ से निकला था, पता है यहाँ से निकला था, तो अपने अंदर मार्केट, ये मार्केट ही है, तो एक्सप्लोर चले हम मार्केट, तो ये मार्केट है जहाँ पे खजूर और जिगली भाई जो है अपने बहुत ही बेस्ट यूट्यूबर है गुजरात के, उन्होंने यहाँ से शॉपिंग की थी कपड़े, ग्रैंड स्क्वायर बुर दुबई,
बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत मार्केट से यहाँ का। और सामने कुछ वो, ये क्या समुद्र जय भाई, समुद्र है या नदी है? ये आबरा बोलते हैं इसको, आबरा मतलब लाइक दिस नदी है समुद्र। वो उसकी वो साइड है ना, वो देहरा है, देहरा देहरा है, मतलब यहाँ पे होलसेल मार्केट है। अच्छा, यहाँ से बोट में बैठ के फिर वहाँ जाना होता है। इधर इधर तो यहाँ पे मैंने पूछा था जय भाई से कि भी सामने नदी है वो देहरा, जो आबरा बोलते हैं, आबरा बोलते हैं इसको। यहाँ से बोट में, ये बोट है, बोट दिखाई है, ये बोट है, ये बोट में एक दिन दे के फिर हमको सामने की साइड जाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सामने देहरा है पूरा, गोल्ड शॉप मार्केट है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे 200+ शॉप्स है, 200+। अच्छा, उसके लिए पानी के जहाज से जाना पड़ेगा या पैदल वॉकिंग? पानी 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 यहीं से जाना पड़ेगा। रोड रास्ता वगैरह सब कुछ? रोड वगैरह है लेकिन बहुत लंबा है, लंबा है, पूरा शॉर्टकट यही शॉर्टकट है यहाँ से। जैसे पहले चाय, अहमदाबाद में रिवर फ्रंट होता है, चाय इधर पियेंगे उधर पियेंगे, यहाँ पे पी सकते हैं। ठीक है, चाय वो ठीक है। वो देखिए, पहले हम रोड क्रॉस करेंगे फिर चाय वहाँ पी लेते पहले। ये है ओवर दुबई स्टेशन, यहाँ पे अभी हम लोग बैठेंगे पानी का जो जहाज है। तो देखिए कुछ इस तरह की यहाँ पे पानी की बोट्स रहती है, इसके अंदर अभी हम बैठेंगे और जाएंगे नदी के उस पार, उस तरफ जो है वो जो है उस तरफ जाएंगे। पूरा जो व्यू है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लाइक दिस रिवर फ्रंट की याद दिलाता है, अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट है अपने, बिल्कुल वैसा ही। और उस तरफ जो है गोल्ड सुख मार्केट है, जहाँ गोल्ड के बड़े बड़े व्यापारी इस मार्केट से हैं। और आपको बैकग्राउंड में पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो बैंक ऑफ बड़ौड़ा है, बड़ौड़ा की बिल्डिंग है जहाँ से अभी हम आए, बड़ौड़ा बैंक्स बिल्डिंग्स। और इस तरह का व्यू काफ़ी खूबसूरत, यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी काफ़ी अच्छी आती है और बहुत ही प्यारा नज़र आया। वीडियो जो लुकआउट से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। देखिए सामने जो लाइटिंग्स है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, लाइटिंग का जो व्यू है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। उसको लेना तो ये देखिए, ये एक बड़ा वाला पानी का जहाज है, उसके 10 दिरहम कुछ यहाँ पे प्राइस लगता है, 10 दिरहम बोले तो इंडिया के 220 रुपये, जिसके अंदर आपको म्यूजिक वगैरह सब मतलब जो एंजॉयमेंट होता है इसमें। काफ़ी प्यारा जहाज है, देखिए इतना खूबसूरत है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल।